नमस्कार, मैं हूं साहेब अली और आप देख रहे हैं livecities.in। बिहार में लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के नजदीक आने के साथ ही साथ सियासत गर्माती जा रही है। गठबंधन में कौन किसके साथ जाएगा, इसको लेकर के सियासी बवाल मचा हुआ है। अभी कांग्रेस के तरफ से ये संकेत दिया गया है कि नीतीश कुमार को अपने तरफ लाने के जो डोरे डाले जा रहे हैं, उसको लेकर के तेजस्वी यादव का जो आया था कि वो कुछ भी हो जाए, नीतीश कुमार को महागठबंधन में फिर से वापस नहीं आने देंगे, इसको लेकर के अब कांग्रेस ने तेजस्वी यादव को नसीहत दे डाली है। बिहार के कदवा से कांग्रेस विधायक शकील अहमद खान ने मीडिया से बातचीत करते हुए तेजस्वी को उनकी हद दिखा दी है। शकील अहमद ने कहा है कि मैं ऐसा मानता हूँ कि राजनीति में शालीनता और व्यवहारिकता मायने रखती है। यूपीए घटक दल देश भर में फैला हुआ है और किस राज्य में कौन आएगा कौन नहीं आएगा, इसका अकेला कोई फैसला नहीं कर सकता। उन्होंने आगे कहा कि 2019 में मौजूदा सरकार के खिलाफ निर्णायक जंग है, ऐसे में देश में वैचारिक लड़ाई और एक व्यक्ति के मायने रखने से कुछ नहीं होता, समान विचारधारा वालों के साथ लेकर चलना होगा। इसलिए एंट्री और नो एंट्री का फैसला करने का अधिकार तेजस्वी यादव को नहीं है। तो जाहिर सी बात है, तेजस्वी यादव को हद में रहने की सलाह दे रही है कांग्रेस। कांग्रेस के एक विधायक का ये बयान आया है, काफ़ी बड़े कद के नेता भी हैं, तो उनका बयान कहीं से खारिज तो करने लायक नहीं है, लेकिन महागठबंधन के चेहरे के रूप में उभरे तेजस्वी यादव के लिए ये एक बात ज़रूर है कि उन्हीं को अब नसीहत दी जा रही है, उनको ये हद में रहने की बात कही जा रही है। आप लाइव सीरीज के साथ बने रहिए, हम आपको बिहार समेत देश दुनिया की तमाम खबरों से सबसे पहले अपडेट कर रहे हैं। आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाइए, उसको सब्सक्राइब करिए, इसके साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी ज़रूर लाइक करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे।